नमस्कार, फिर से आपका ग्रैंड टी चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक का जो फॉर्मूला होता है, किस ट्रिक के आधार पर आप याद करेंगे। आज आपको ऐसा हम ट्रिक बताने वाले हैं कि इस ट्रिक को आप कभी ना भूल पाएंगे, भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें। आप देख पा रहे हैं ये एक त्रिभुज है। हम लोग सभी प्राय जानते हैं कि त्रिभुज का ये जो भुजा होती है, ये कर्ण आधार होती है। ये कौन सी भुजा होती है? आधार भुजा। इस भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, जो खड़ी रहती है इसको लंब बोलते हैं। और ये कर्ण, परंतु आपको बताना चाहते हैं कि ये कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आज हम लोग इस त्रिभुज के माध्यम से साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक का फॉर्मूला निकालेंगे। एक ऐसा आपको ट्रिक बताने वाले हैं, आप इस वीडियो पर बने रहें, बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। एल ए एल बटे के ए, इसका मतलब को हम समझा रहे हैं। आप इस अभी देखकर पता लग रहा है कि क्या है क्या नहीं, आपको हम समझा रहे हैं। आप यहां लिखते हैं साइन, फिर लिखते हैं कॉस, नहीं कोसेक, फिर लिखते हैं टेन, फिर कॉट, फिर कॉस, फिर यहां सेक लिख दिए। अब आपको हम साइन का सूत्र बिठाकर दिखाते हैं। ये जो पहला वाला जो है, ये है साइन और कोसेक के लिए, और ये दूसरा वाला कॉस और सेक के लिए, और ये तीसरा वाला टेन और कॉट के लिए। हम यहां लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा सा, ये साइन, ये कॉस और ये टेन। हाँ, अब ये साइन का सूत्र क्या होता है? आप दोस्तों इसको जैसे एल ए एल लिखे हम, एल का मतलब होता है लंब। इसको हम शॉर्टकट विधि से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और कभी आप भूले नहीं। के से होता है कर्ण और ए से होता है आधार। इसको आप हम अपने से मान लिए, ठीक है। तो साइन है, यहाँ एल है, एल का मतलब क्या होता है? लंब। नीचे में क्या है? के का मतलब क्या होता है? कर्ण। यानी साइन का क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ठीक। फिर ये कोसेक, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का अगर मान लीजिए लंब बटा कर्ण होगा, तो कोसेक का कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा लंब। तो यहां आप लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। फिर हम लोग आगे चलते हैं, टेन यहां पर है, तो टेन का मेरा ये वाला है लास्ट वाला। टेन का क्या होता है? एल बटा ए, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। लिखिए यहां पर लंब बटा आधार। अब ये कॉट है, कॉट का टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी आधार बटे लंब। फिर मेरे पास क्या है? कॉस, कॉस मेरा ये वाला है, ये वाला मेरा कॉस है, यानी आधार बटा कर्ण, ए बटा के। यहां लिख सकते हैं आप आधार बटा कर्ण। फिर ये सेक है, सेक का कर्ण बटा आधार। आप इसको सिंपल से क्या याद करना, आपको माइंड में सिर्फ रखना ये छह वर्ड, लाल बटे काका, एल ए एल बटे के ए। यानी आपको 1 2 3 4 5 6 सूत्र याद। आप अगर सिर्फ यही चीज को याद रखते हैं तो आपको ये जो सारे छह फॉर्मूला है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फटाक से आप बोल सकते हैं। लेकिन आपको ये माइंड पर रखना है एल ए एल बटे के ए, फर्स्ट वाला साइन का, सेकेंड वाला कॉस का और लास्ट वाला टेन का। अगर मान लीजिए साइन का लंब बटे कर्ण हुआ, तो कॉस का कर्ण बटा लंब, कॉसेक का होगी आपका कर्ण बटा लंब, कॉस का अगर ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, तो कॉट
सेक का कर्ण बटा आधार, टेन का लंब बटे आधार, तो कॉट का आधार बटा लंब। अब बिल्कुल आसान तरीका से इस चीज को याद कर सकते हैं, सिर्फ इसको आपको माइंड पर रखना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।